बीएचयू बीवॉक के धरनारत छात्रों ने मांगे पूरी होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीवॉक के छात्रों और छात्राएं सेंट्रल ऑफिस पर पिछले चार दिनों से घेराव करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि सेंट्रल ऑफिस पर पिछले चार दिनों से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु यहां पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारी बातें नहीं सुन रहा है। छात्रों का कहना है कि हम सभी लोग बीएचयू में सबसे अधिक फीस देने वाले छात्र छात्राएं हैं। हम लोगों के सब्जेक्ट में कम्प्यूटर से संबंधित प्रैक्टिकल, वाइवा और थ्योरी है, परंतु हमने अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल करने हेतु जब अपने विभागाध्यक्ष से कहा तो उनका कहना है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही हम लोगों के सामने कई समस्याएं हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम लोग सेंट्रल ऑफिस का घेराव कर धरने पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि बीवॉक के तमाम छात्र छात्राएं अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर पिछले चार दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग धरने पे बैठे हैं और कितने सूत्री मांग रहे हैं आप लोग? देखिए, धरने पर बैठे हुए हमें आज चार दिन हो गए हैं और हम लोग इससे पहले जब अपना प्रोसेसिंग इस चीज़ के लिए इसके खिलाफ शुरू किए थे तो उसको अगर जोड़ दिया है तो करीब छः दिन हमें हो चुके हैं। तो कितने सूत्री मांग रहे हैं आप लोग? सर देखिए, सूत्रीय मांग अब मैं आपको किस तरीके से बताऊँ, करीब बहुत बेसिक सी डिमांड्स हैं। ऐसा कुछ भी हमने डिमांड नहीं किया है जो हमें ये दिखाता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड कर रहे हैं या ऐसा कुछ। हमने बहुत बेसिक सी डिमांड्स की, हमें प्रॉपर क्लासरूम्स, अच्छे टीचर्स, प्रैक्टिकल एजुकेशन जिस नाम पर बीवॉक कोर्स को चलाया जाना चाहिए वो सारी चीज़ों मुहैया कराने के लिए हमने डिमांड किया। कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? सर देखिए, कोई भी बच्चा अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठना नहीं चाह रहा है। हम भी बच्चे हैं, हमारे भी 50 काम होते हैं दिन के, हम भी पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। कोई शौक से धरने नहीं करता है, लेकिन जब तक हमें हमारी डिमांड्स को लिखित रूप में ये आश्वासित नहीं कर दिया जाता है कि आपकी डिमांड्स पूरी कर दी जाएंगी, तब तक तो ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। बच्चों का कहना है कि आप लोगों के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, अलग अलग तरीके की धमकियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि आपके करियर्स बर्बाद कर दिए जाएंगे, आपके नंबर्स ख़त्म कर दिए जाएंगे, आपको एग्ज़ाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा, घर पर फ़ोन करके FIR तक की धमकी दी जा रही है। और बहरहाल उस चीज़ों को हम लोग किसी तरीके से हैंडल कर रहे हैं।